ठीक है, इसमें सुनो दोस्तों, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादा नगर हवेली दमन दीव में बहुत सारी वैकेंसी आई है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 7/11/2023 को रिलीज हुई है। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस हमारी कोनी बॉडी, इन्होंने वैकेंसी जारी की है। दोस्तों आपकी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये देखिए दोस्तों, MBBS कॉलेज के में है और आप देख लीजिए, ये आपको लास्ट तारीख 20/11/2023 को आपको नीचे दिए गए फॉर्म भर के आपको फिलअप करनी है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। देखिए आपका टीचिंग पोस्ट वैकेंट अंडर MBBS मेडिकल कॉलेज मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर की 13 पोस्ट है, इतना डिपार्टमेंट है, 2,25,000 सैलरी रहेगी। दोस्तों इसके बाद में है ना, एसोसिएट प्रोफेसर की 12 पोस्ट है, ये डिपार्टमेंट रहेगी, 2 लाख सैलरी रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की 15 पोस्ट रहेगी, ये डिपार्टमेंट रहेगी, 1,15,000 सैलरी रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर USTC की एक पोस्ट रहेगी, ये डिपार्टमेंट रहेगी, 1,15,000 सैलरी रहेगी। दोस्तों इसके बाद में है ना, ट्यूटर की 15 सीट है, ये डिपार्टमेंट रहेगी, 1 लाख सैलरी रहेगी। सीनियर रेसिडेंट की 14 पोस्ट है, ये डिपार्टमेंट रहेगी, 1,10,000 सैलरी रहेगी। जूनियर रेसिडेंट की 9 सीट है, डिपार्टमेंट मेंशन नहीं किया है, 1 लाख सैलरी रहेगी। सब 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 देखिए रूल रेगुलेशन के हिसाब से दिया हुआ है। दोस्तों इसके बाद में टीचिंग डिटेल्स ऑफ नॉन टीचिंग वैकेंट पोस्ट अंडर नाउ MBBS एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट दादानगर हवेली दमन एंड दमन दीव सिलवासा का हेल्थ से एजुकेटर में 2 पोस्ट है। कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट ये है, कम्युनिटी मेडिसिन आपकी क्वालिफिकेशन में ये दोनों में से कोई भी रहेगा तो चलेगा, 20,000 सैलरी रहेगी। इसके बाद में है ना, आपको है ना दोस्तों, पोस्ट वैकेंट अंडर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस सिलवासा में स्पेशलिस्ट की फिजिशियन की 2 पोस्ट है, पीडियाट्रिशियन की 1 है, न्यूनोटोलॉजिस्ट की 1 है, एनेथिसिस की 1 है, गायनेकोलॉजिस्ट की 1 है एंड जनरल सर्जन की 3 है। टोटल नाइन पोस्ट हैं और 245 ईयर उसके नीचे होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। और दोस्तों आपकी है ना सैलरी देखिए, सैलरी आपकी है ना, सैलरी एज पर एक्सपीरियंस फ्रेशर को 1,25,000 सैलरी रहेगी, मोर देन 5 ईयर का 1,75,000 सैलरी रहेगी। दोस्तों इसके बाद में है ना स्पेशलिस्ट ENT सर्जन 1 एंड और ऑप्शनल में लॉजिस्ट की 1 सीट है, टोटल 2 सीट है, 45 ईयर उसके नीचे होना चाहिए, क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। इसके बाद में सैलरी एज पर एक्सपीरियंस 4 डिग्री फ्रेशर की 1,10,000 सैलरी रहेगी, एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर सैलरी 1,50,000 सैलरी रहेगी। दोस्तों इसके बाद में स्पेशलिस्ट पैथोलॉजिस्ट की 1 सीट है, सेम 45 ईयर के नीचे, ये क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। और आपकी है ना सैलरी एज पर एक्सपीरियंस फ्रेशर फ्रेशर को फर्स्ट डिग्री 1 लाख सैलरी रहेगी, एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर 1,25,000 सैलरी रहेगी। दोस्तों इसके बाद में मेडिकल ऑफिसर MBBS की 5 पोस्ट है, ये 35 ईयर उसके कम होना चाहिए, दोनों क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, दोनों होना चाहिए, 70,000 सैलरी रहेगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की 1 पोस्ट है, 40 ईयर उसके नीचे होना चाहिए, इसी से क्वालिफिकेशन में ये मांगी हुई है और डिजायरेबल में ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा, सैलरी 56,100 सैलरी रहेगी। दोस्तों इसके बाद में बायोकेमिकल की 1 पोस्ट है, 30 ईयर उसके नीचे होना चाहिए, क्वालिफिकेशन में एसेंशियल में ये दोनों मैंडेटरी, ये दोनों होना चाहिए, डिजायरेबल में मैंडेटरी ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा, 35,400 सैलरी रहेगी। दोस्तों इसके बाद में है ना नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स फीमेल की 1 पोस्ट है, 36 ईयर इसके नीचे होना चाहिए, क्वालिफिकेशन में दोनों मैंडेटरी है, डिजायरेबल में ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा, इसका सैलरी 25,000। फार्मास फार्मास
फार्मासिस्ट की एक पोस्ट है छठी, और उसके नीचे होना चाहिए क्वालिफिकेशन, ये दोनों मैंडेटरी है, ये दोनों होना चाहिए। 90,000 सैलरी रहेगी। अकाउंटेंट कम CDO की एक पोस्ट है 27 ईयर, उसके कम होना चाहिए एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन, ये दोनों होना चाहिए। और एंड में ये भी होना चाहिए आपका, ये आपका टाइप इंटरव्यू से सब ले लेंगे, 70,000 सैलरी रहेगी। दोस्तों इसके बाद में है ना ENT सर टेक्नीशियन की ये पोस्ट है 30 ईयर, उसके नीचे होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद में है ना मेडिकल इंटरसेंशियल में ये तीनों मैडेटरी है, तीनों होना चाहिए। 80-90,000 सैलरी रहेगी। इसके बाद में है ना टेक्नीशियन की डर्माटोलॉजी की एक पोस्ट है 30 ईयर, उसके नीचे होना चाहिए। इंटरसेंशियल में तीनों होना चाहिए और 90,000 सैलरी रहेगी। दोस्तों इसके बाद में है ना स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की एक पोस्ट है और 30 ईयर, उसके नीचे होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों आपको है ना क्वालिफिकेशन में ये दोनों मैडेटरी है, दोनों होना जरूरी है। 70,000 सैलरी रहेगी। हेल्थ असिस्टेंट मेल की एक पोस्ट है 27, और उसके नीचे होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में दोनों होना चाहिए, और में ये भी रहेगा तो भी चलेगा। 70,000 सैलरी रहेगी। दोस्तों इसके बाद में है ना पोस्ट वेकेंट अंडर सी विनोबा भावे कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिलवासा का है। प्रिंसिपल की 14 सिलवासा सी 14 सी विनोबा भावे कॉलेज ऑफ नर्सिंग दादरा एंड नगर हवेली एंड 14 गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग दमन, टू पोस्ट है। 14 DNH एंड 14 1 दमन। दोस्तों आपको 50 ईयर उसके नीचे होना चाहिए इससे क्वालिफिकेशन में, ये जरूरी है। डिजायरेबल में ये नहीं रहेगा तो भी चलेगा। 1 लाख सैलरी रहेगी। इसके बाद में आपको है ना असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल हेल्थ नर्सिंग की सी विनोबा भावे कॉलेज ऑफ नर्सिंग नगर हवेली की एक पोस्ट है DNH की, 45 ईयर उसके नीचे होना चाहिए। इस इंस्टेंस में ये होना चाहिए, सर में नहीं रहेगा तो भी सैलरी 82,200 सैलरी रहेगी। दोस्तों इसके बाद में है ना सिस्टर ट्यूटर की 4C विनोबा भावे कॉलेज ऑफ नर्सिंग दादरा एंड नगर हवेली की 1 है, 35 ईयर उसके नीचे होना चाहिए। इस इंस्टेंस में ये क्वालिफिकेशन में भी ये होना जरूरी है। 50,700 सैलरी रहेगी। दोस्तों इसके बाद में और है पोस्ट वैकेंट अंडर रोगी कल्याण समिति सी विनोबा भावे सिविल हॉस्पिटल सिलवासा की है। नर्सिंग ऑफिसर की एक है 30 ईयर, उसके नीचे होना चाहिए। तीनों क्वालिफिकेशन मैडेटरी है, तीनों होना चाहिए। 20,000 सैलरी रहेगी। दोस्तों इसके बाद में है ना एलिजिबल कैंडिडेट को है ना दोस्तों यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट को फॉरवर्ड करनी है एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको फॉरवर्ड करनी है। डिटेल्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी रिक्रूटमेंट रोल्स सैलरी सब आपकी है ना आपकी अवेलेबल रहेगी ये साइट पे, आप ये साइट पे मिल जाएगी आपको। दोस्तों इसके बाद में है ना ये लिखा है एप्लीकेशन विल बी समरी। देखिए एप्लीकेशन कभी भी रिजेक्ट हो सकता है, कभी भी डिबेंट फाएंगे तो। इसके बाद में लिखा हुआ डिपार्टमेंट के पास राइट है, कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं बिना कोई रीज़न के। दोस्तों इसके बाद में एप्लीकेशन टू द बी सेंट आपको यहाँ पर सेंड करनी है। 4 वैकेंट पोस्ट अंडर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर ये एड्रेस पर वॉर्ड करना है। 4 वैकेंट पोस्ट अंडर सी विनोबा भावे कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिलवा से यहाँ पे फॉरवर्ड करनी है। दोस्तों आपका ये कॉलेज में ये एड्रेस पर फॉरवर्ड करनी है। कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल आईडी दिया है क्वेरी के लिए। दोस्तों ये पोस्ट का यहाँ पे फॉर पोस्ट
फॉर वैकेंट पोस्ट अंडर सी विनोबा भावे कॉलेज ऑफ नर्सिंग सिलवासा की ये एड्रेस पे आपको फॉरवर्ड करनी है। ये ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर आपको क्वेरी है करने के लिए दिया गया है दोस्तों। इसके बाद में फॉर वैकेंट पोस्ट अंडर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल हेल्थ सर्विस सिलवासा की ये एड्रेस पे फॉरवर्ड करनी है। कॉन्टेक्ट नंबर पे और ये ईमेल आईडी पे आप क्वेरी कर सकते हैं। फॉर वैकेंट पोस्ट रोगी कल्याण समिति सिलवासा की ये एड्रेस पे फॉरवर्ड करनी है। कॉन्टेक्ट नंबर ये ईमेल आईडी ये है क्वेरी के लिए और ये साइट पर दिया हुआ है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखिए ये फ़ोटो लगानी है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो पोस्ट अपने आपके नेम ब्लॉक लेटर में एड्रेस पता नहीं टेलीफोन नंबर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डेट ऑफ बर्थ गूगल से कैलकुलेट करके डेट ऑफ बर्थ बताइए जेंडर क्या है वो बताइए डेट ऑफ बैंस लास्ट एनएमसी बताइए डिजाइनेशन क्या है लैंग्वेज क्या जानते हैं मास्टर स्टेटस क्या है देखिए क्वालिफिकेशन के हिसाब से एजुकेशन का यहाँ पर बताइए टेक्निकल एक्सपीरियंस बताइए पोस्ट के हिसाब से और नॉन टेक्निकल एक्सपीरियंस बताइए यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से दोस्तों। यहाँ पर डिटेल्स ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन आपने जो आपने रिसर्च किया है वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। डिटेल्स ऑफ मेडिकल और डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन ये भी बताना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यूजी का पीजी का बताना है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यूजी का और पीजी को बताना है नेम ऑफ काउंसिल यूजी और पीजी को बताना है। चेक लिस्ट ऑफ इंक्लोजर अटैच फोटोकॉपी इन फॉर्मिंग ऑर्डर आप जो टिक करेंगे वो आपको अटैच करना है सिस्टमेटिकली थ्रू डिक्लेरेशन में डिपेंड हो तो लोग निकाल देंगे। देखिए एक चीज़ दो पॉइंट लिखा हुआ है आपकी सिग्नेचर करनी है जिस प्लेस से भरे हो आपकी प्लेस और आपकी सिग्नेचर करनी है। इसके बाद में आपको है ना अटेस्ट अटेस्टेड कॉपी लगानी है सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट अटैच करना है एप्लीकेशन फॉर्म में और इनकम्प्लीट और अनसाइंड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों एक दूसरी है एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस ड्यूटी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव यहाँ आपकी फ़ोटो लगानी है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो पोस्ट का नेम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें वो पोस्ट का नेम नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर में फादर नेम एड्रेस फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस डेट ऑफ बर्थ गूगल से कैलकुलेट करके डेट ऑफ बर्थ बताना है। कैटेगरी क्या है डोमिसाइल है यानी लैंग्वेज क्या जानते हो। इसके बाद में दोस्तों है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताइए। इसके बाद में है ना जिस पोस्ट के हिसाब से एक्सपीरियंस बताइए डिक्लेरेशन में डिपेंड होगा तो ये लोग निकाल देंगे जिस पे डेट से भरे हो आपकी प्लेस और आपकी सिग्नेचर अटेस्टेड कॉपी और रिलेवेंट सर्टिफिकेट अटेस्टेड कॉपी और अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स वुड भी अटैच होना चाहिए विद एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों। इसके बाद में है ना इनकम्प्लीट और अनसाइंड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड हो जाएगी दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे दिए गए फॉर्म भर के आपको इसे सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट अटैच करना है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको ये सब एड्रेस पे फॉरवर्ड करनी है दिए गए टाइम से पहले नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। ये लास्ट डेट आपकी ये रही तो दोस्तों ये फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी क्वेरी भी डिस्क्रिप्शन में आप रख सकते हैं दोस्तों। इसके आपका इंटरव्यू होगा फिजिकल टेस्ट होगा रिटर्न टेस्ट होगा सब मैं ही अपडेट देता हूँ। इसके रिलेटेड जितने भी वैकेंसी हैं वो भी मैं ही अपडेट देता हूँ। तो मेरे चैनल को शेयर करना सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू।